Hey guys, welcome back to a new video. दोस्तों आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं साउंडकोर की तरफ से आने वाले लाइफकोर 20 हेडफोन को, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया दोस्तों, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया, वहां से जाकर इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और भाई प्राइस में आसमान छू रखा है इसने, अब 9999 का हो चुका है भैया, हमने मंगाया 5000 का ऑफर में, पता नहीं। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर बॉक्स पर लिखा हुआ है 40 आवर्स प्लेबैक टाइम है, और बेसिकली रियल में इतना और बेस अप टेक्नोलॉजी और हाई रिस्क साउंड क्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं दोस्तों, अनबॉक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए MRP दे रखा है 11999, मतलब 11999। और यहाँ से हम काट देंगे, इसकी सील ना हो तो दोस्तों हम इसको रिटर्न भी कर सकते हो, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ। और जल्दी से ओपन करते हैं इसको, बॉक्स को फटाफट बॉक्स को ओपन किया, और बॉक्स के नीचे मिलता है आपको एक बैग, और बैग के अंदर मिलेगा एक और बैग, और ये होता है सिलिका जेल, जिसके अंदर इसके अंदर मॉइस्चर ना आ सके इसके लिए हम डालते हैं सिलिका जेल, कंपनी देती है। और बैग के अंदर बैग, जैसा कि मैंने बोला इसमें आप अपना वो हेडफोन रखने वाले हो जहाँ पर, और ये कुछ मैनुअल्स भी मिल जाते हैं आपको इधर, और भी मैनुअल्स। तो जल्दी से हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं क्या निकलने वाला है। निकलने के वाला भाई हेडफोन ही आएगा। और इधर आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल, और चार्जर नहीं मिलता आपको फ़ोन वाले चार्जर से, इसको चार्ज करना पड़ेगा। और ये ऑक्स केबल मिलती है, जब आप इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप इसको डायरेक्टली अपने फ़ोन से कनेक्ट करके वायरली भी यूज़ कर सकते हो, और बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो ओवरऑल बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ बिल्ड क्वालिटी और कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, जो इसके ईयर कप्स हैं वो, इनको नाम दिया गया है मेमोरेबल ईयर कप्स, क्योंकि जितना भी प्रेस कर लो इनको वापस अपनी ओल्ड शेप में आ जाते हैं, इसलिए इनको मेमोरेबल ईयर कप्स कहा गया। और काफ़ी हाई क्वालिटी से बनाए गए, हाई क्वालिटी लग रहा है बहुत ज़्यादा देखने में, और भाई हाथ लगाने से ही पता चल जाता है कितना हैवी मटेरियल से इसको बनाया गया, और काफ़ी हैवी सा ये लगता है बहुत। और इसके यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह दिए गए हैं, इनके बारे में भी हम जल्दी बात करेंगे अभी। तो इधर देखिए आप, यहाँ पर 3.5 mm का जैक मिल जाता है, और चार्जिंग के लिए एक पोर्ट मिल जाता है जहाँ से आप अपनी ऑक्स केबल लगाने वाले हो 3.5 mm जैक में। और बाकी तो सब ये सही है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और इधर लेफ्ट एंड राइट लिखा गया था कि आप इसको उल्टा ना पहन लो और आपका साउंड सिस्टम सारा बिगड़ जाए, तो बता रखा पहले। और यहाँ पर लोगो भी है, और यहाँ पर ये फोल्डेबल डिज़ाइन आपको मिलता है इधर, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। और यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन का बटन और पावर ऑन ऑफ का बटन भी मिलता है इधर। दोस्तों अगर इसके नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक नंबर फीचर मेरे को लगा ही है। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसको ऑन किया और डायरेक्टली ऐसे मैं अपने हेड पर लगा लिया, तो मेरे को अजीब सा फील हुआ, जैसे कि बाहर की नॉइज़ बिल्कुल ही कम हो चुकी थी, बिल्कुल ही कम, और ऐसा लग रहा जैसे कानों को दबा लिया गया हो, लेकिन एक्चुअल में नहीं दबाया हुआ होता। तो ये तो दोस्तों मैं जब बता रहा हूँ, जब मैंने इसमें कोई भी सॉन्ग नहीं चला रखा था, ऐसे ही जस्ट नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर ऑन किया और हेड पर लगा लिया, तो उतने में ही इतने इतना साउंड कैंसिल कर दिया बैकग्राउंड साउंड। तो जब सॉन्ग चल रहा होगा जब, तो भाई पता ही नहीं चलेगा क्या मतलब नॉइज़ है, पता बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके सॉन्ग सुनते हो तो आपका मतलब 10 आवर तक बैटरी बैकअप कम हो जाएगा, वैसे 40 आवर वैसे है, तो 30 अप्रॉक्स आप कर पाओगे यूज़ इसको। तो ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि साउंड कैंसिल करने में भी बैटरी लगती है, तो होता है वो उतना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके बेस अप फीचर के बारे में, जो कि इसके बॉक्स में भी लिखा गया था। तो बेस अप फीचर ऐसे काम करता भाई कि आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो और इसका मिडल बटन है ना, जो वो डबल बार प्रेस कर दोगे तो बेस अप कर देगा ये ऑटोमेटिक, इसके हार्डवेयर पे सेट किया गया है, उसको वो बेस अप कर देगा और आपको बेस ज़्यादा लगेगा। फिर एक बार प्रेस करोगे तो गाना पॉज एंड प्ले कर सकोगे, अगर डबल बार करोगे तो बेस अप हो जाएगा। हाँ तो बस दोस्तों यही है इसमें। और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन की तो आपको पता ही होंगी, प्लस एंड माइनस लिखा हुआ है इन पे, ये सब तो नॉर्मल है, सबको पता होगा। और इसमें बताने के लिए क्या, ये छोटे छोटे होल्स देख रहे हो दोस्तों, तो ये हैं माइक्स, ये क्या करते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और इसका हार्डवेयर उस नॉइज़ को कैंसिल करता है, और आपके कानों तक एक मतलब अच्छी सी साउंड पहुँचती है, तो आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। वही वही वाला फीचर है ये नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने बताया था।
तो इतने सब आपको फीचर, बहुत सारे फीचर एक अच्छी सी प्राइस में आपको मिलते हैं, और वो कि मिलने भी चाहिए। और ऊपर भी आपको ये कुशन सा मिल जाता है जो कि आपके हेड में नहीं चुभने वाला। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों इसके बॉक्स पे भी लिखा गया था हाई रिस्क ऑडियो, मतलब इसका मतलब दोस्तों मैं बताऊँगा अगर आपको, तो अगर आपको पता हो तो जो सॉन्ग होते हैं उनके भी बिट रेट होते हैं। हाई बिट रेट वाले सॉन्ग ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और लो बिट रेट वाले कम। तो हाई बिट रेट वाले सॉन्ग्स को ये ज़्यादा अच्छे से चला सकता है, तो इस पर इसीलिए लिखा गया हाई रिस्क ऑडियो, तो इसका मतलब यही है। तो इसमें आपको एक अच्छे लेवल का बेस मिलता है, मतलब ठीक ठीक लेवल का आपको बेस मिलता है, और ना तो ऐसी साउंड आती है जैसे कानों में चुभे, और ना तो ज़्यादा बेस। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेस वाले गाने पसंद है तो इसमें आपको स्पेसिफिक की भी दी गई है, उसको प्रेस करके आप बेस भी बढ़ा सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो इतने तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो अच्छे फीचर्स मिलते हैं इसमें काफ़ी, और आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़ इन साउंड। बिल्कुल ही साउंड की क्वालिटी तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा माइक नहीं है जो इसको रिकॉर्ड करे, और तब भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। अगर अच्छा माइक होगा जो कि आप अपने हेड पर लगा के मतलब फील कर पाओगे, वो मैं यहाँ से नहीं करवा पाऊँगा आपको। तो जैसे कि देख सकते हो हम इसको पेयर कर रहे हैं और गाना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर हम आप देख सकते हो तो पेयर भी काफ़ी आसानी से हो जाता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करो और उससे कनेक्ट कर दो और पेयर कर दो बस। तो दोस्तों इस हेडफोन को मैं उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि मतलब सिर्फ सॉन्ग सुनने के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसको गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो मतलब कर सकते हो, सुनने के लिए काफ़ी सही है, लेकिन इसमें माइक नहीं मिलता ना फिर, अच्छा कोई माइक अच्छा नहीं मिलता इसमें। हाँ तो दोस्तों हमारा यही था रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें अगर आप एक गेमर हैं, और कमेंट में बताएं आपको कौन कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।